Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Mahmood al-Hassan and today we will discuss the basic concepts of cost accounting. It's our first lecture. First of all, we will discuss what is the meaning of cost. Before going to cost accounting, let's first discuss the concept of cost. Cost means the amount of expenditure, actual or notional, incurred on or attributable to a given thing. कोई भी अमाउंट जो आप किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर स्पेंड करते हैं उसको हम टेक्निकली कहते हैं कि वो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की कॉस्ट है. अब उसके बाद हम डिफरेंट कंपोनेंट्स देखेंगे कि कॉस्ट की क्या क्या टाइप्स होंगी, कॉस्ट किस किस टाइप की हो सकती है और कॉस्ट और एक्सपेंडिचर में फर्क क्या होता है. Cost accounting क्या है basically? Cost accounting is concerned with recording, classifying, summarizing costs or determination of costs of products or services, planning, controlling and reducing such costs and furnishing of information to management for decision making. Cost accounting से पहले already हम previous semesters में पढ़ चुके हैं financial accounting और उसका scope और उसके basic ingredients क्या क्या होते हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करती है एग्रीगेट्स के साथ. जब भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोई भी टॉपिक देखेंगे उसमें जितनी भी डिस्कशन हुई भी है दैट इज बेसिकली टोटली डीलिंग विद द एग्रीगेट्स. टोटल अमाउंट्स की बात करते हैं कि टोटल टर्नओवर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कितना रहा है, टोटल कास्ट कितनी रही है, टोटल उसकी सेलिंग एक्सपेंसिस कितने रहे हैं, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहा है, सो ऑन सो. बट इन कास्ट अकाउंटिंग हमारा जो मेन फोकस होता है वो हम एक सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की कास्ट को कैलकुलेट करते हैं और फिर अल्टीमेटली हमारा पर्पज ये होता है कि हम उस कास्ट को कितना रिड्यूस कर सकते हैं, रैशनली कितना रिड्यूस कर सकते हैं बट नॉट कंप्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. कि हम उसकी कास्ट को रिड्यूस भी करें, मार्केट में कंपिटेटिव भी रहें और उसके साथ साथ उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर भी किसी किस्म का कंप्रोमाइज ना हो रहा हो. तो ये सारी चीज़ें जब हम पैरेलल लेके चलते हैं तो इसको हम डिस्कस करते हैं कास्ट अकाउंटिंग के अंदर. या हम ये कह सकते हैं कि कास्ट अकाउंटिंग का यही स्कोप है कि हम यूनिट कास्ट की कैलकुलेशन और उसकी मिनिमाइजेशन करेंगे और ये चीज़ हमें हेल्पफुल होगी जब हम मैनेजेरियल लेवल पे किसी किस्म की भी डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे. अब ये ऑब्जेक्टिव्स की कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या कोई क्लोज एंडेड लिस्ट नहीं होती है कि ये कास्ट काउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं. बेसिकली ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनके ऊपर हमने यहाँ पे फोकस किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टेनमेंट ऑफ कास्ट, टोटल कास्ट एज वेल एज यूनिट कास्ट. Then estimation of cost. Before starting any particular activity, हम उसकी एक estimation करते हैं कि इस particular activity को, इस particular project को execute करने में, उसको manufacture करने में हमें कितनी cost bear करनी पड़ेगी, हमें कितने cost components required होंगे और कितनी हमारी total cost होगी. Different components को हम अलग अलग से ऐसा estimation उसी करते हैं और फिर उनको होलिस्टिकली हम देखते हैं कि एज अ होल उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उस पर्टिकुलर यूनिट की कास्ट हमें कितनी करनी पड़ेगी. देन कास्ट कंट्रोल, कि हमने अपनी कास्ट अकाउंटिंग के अंदर इस चीज़ पर बड़ा फोकस करना होता है कि हमने अपनी कास्ट को कंट्रोल भी रखना है. कंट्रोल के डिफरेंट टेक्निक्स हम देखते हैं. फीडबैक कंट्रोल होता है, फीड फॉरवर्ड होता है, कंकरेंट कंट्रोल है. कास्ट अकाउंटिंग के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट अप्रोच यूज होती है वो कंकरेंट कंट्रोल की होती है. कंकरेंट कंट्रोल मींस कि ड्यूरिंग द प्रोसेस हम हर एक एक्टिविटी को हमने सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया होता है और हर एक्टिविटी की, हर लेवल के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर हम कास्ट के कंपोनेंट्स को जो हमने अपने एक एस्टिमेशन की हुई है उसके साथ हम उसको मैच करते हैं, उसके साथ हम उसको टैली करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हम जा कर देखते हैं कि वो कास्ट हमारी कितनी रिड्यूस हो सकती है. नेक्स्ट जो इशू है वो है कास्ट रिडक्शन का. कि जब आपने कास्ट
एक कैलकुलेशन कर ली अपने पास कि हमारे पास इतनी कास्ट होनी चाहिए, उसके बाद आप कंट्रोल मेजर्स भी साथ साथ अप्लाई कर रहे हैं। तो जहाँ पे आप जिस स्टेज पे जिस लेवल पे आप ये फील करते हैं कि आपकी कास्ट आपके बेंचमार्क से आपके एस्टीमेशन से आपकी बजटेड एक्टिविटी से एक्सीड कर रही है, तो वहाँ पे आप कोई करेक्टिव मेजर लेके उसमें से उसको रिड्यूस करते हैं। देन डिटरमिनिंग दी सेलिंग प्राइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कास्ट अकाउंटिंग का कि अनटिल अनलेस वी आर अनअवेयर ऑफ कास्ट तो हम उसकी सेलिंग प्राइस डिटरमिन नहीं कर सकते। देखिए एक चीज़ हम बना रहे हैं, हम सेल करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं जी इसकी सेल प्राइस होगी 100 रुपीज़, ये कोई इंट्यूशन से नहीं हम सेल प्राइस डिटरमिन कर सकते हैं, रादर इट वुड बी बेस्ड ऑन द कास्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट कि आपकी कास्ट अगर 100 रुपीज़ से ज़्यादा इनकर हुई हुई है तो आप 100 रुपीज़ में वो चीज़ सेल नहीं कर सकते। इसलिए हमें कास्ट अकाउंटिंग से या कास्ट की कैलकुलेशन से ये भी पता चलता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कास्ट हम कितनी रखते हैं। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर स्टेटमेंट। हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसके अंदर भी हमें हेल्पफुल होती है कि हमने सारे कंपोनेंट्स को बाइफरकेट करके देखा हुआ होता है और उसके बाद एट द एंड ऑफ द हम उसको टोटल देखते हैं और हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस किस कंपोनेंट को कौन कौन से हेड के अगेंस्ट रिपोर्ट करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के लिए ज़रूरी है। और उसके बाद ये है प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर ऑपरेटिंग पॉलिसी कि हम जब पॉलिसी डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें कास्ट अकाउंटिंग या कास्ट अकाउंटिंग के जो आउटकम्स हैं वो बड़ा हेल्पफुल होते हैं कि वहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि कास्ट अकाउंटिंग के अंदर जो जो चीज़ें हमने मेंशन की हुई हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कास्ट को हमने कैटेगरिकली डिस्कस किया हुआ होता है, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो हमारी प्रीवियस पॉलिसीज थी उसमें कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे हमें पॉलिसीज को थोड़ा लीनियंट करना है, कहाँ कहाँ पे पॉलिसीज को हमारा थोड़ा टाइट करना है। अब डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होती हैं कास्ट अकाउंटिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम दो चार पे डिस्कशन करते हैं। कास्ट, जैसे हमने पहले बात की, कास्ट मीन्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ पर्टिकुलर थिंग। कास्टिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कास्ट, हम कहते हैं हम इस प्रोडक्ट की इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की कॉस्टिंग कर रहे हैं। कॉस्टिंग का मतलब ये है कि हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के टोटल कास्ट अकाउंटिंग के जितने कंपोनेंट हैं उन सबको एग्रीगेट करके हम देखना चाह रहे हैं क्या। कास्ट काउंटिंग के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, कास्ट कंट्रोल पे भी। जॉब कास्टिंग और बैच कास्टिंग, ये दो टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट हम यूज करेंगे, इसी तरह प्रोसेस कास्टिंग भी आएगी। जॉब कास्टिंग का ये मतलब होता है कि हम हर पर्टिकुलर ऑर्डर को अलग से ट्रीट करते हैं एज अ सिंगल इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। अगर हम सारी एक्टिविटीज को इकट्ठे लेके चलें तो फिर हम हर पर्टिकुलर एक्टिविटी की कास्ट प्रॉफिट एनालिसिस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। सपोज हम 10 डिफरेंट कस्टमर्स के ऑर्डर को लेके चल रहे हैं, अगर हम सबकी कास्ट इकट्ठी करें, किसी के 5 यूनिट हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 100 हैं, किसी के 200 हैं, एट द एंड ऑफ द डे जब हमने कस्टमर्स को इनवाइस कर भेजनी है तो हम इस पोजिशन में नहीं होंगे कि हम अपनी कास्ट को सही से डिटरमिन करें। इसकी रीजन ये है कि जब हम कास्ट के भी ब्रेकअप देखेंगे थोड़ा लेटर स्टेज पे कि डिफरेंट टाइप्स की कास्ट होती हैं। कुछ कास्ट वो होती हैं जो डायरेक्टली किसी एक सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट कुछ कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कि आप एक सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। वो आपकी एंटायर प्रोडक्शन के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इसलिए जॉब कास्टिंग हम करते हैं कि हम हर एक ऑर्डर की कास्ट और टोटल उसकी कास्ट ऑफ कंप्लीशन, कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसको हम सेपरेट से डिटरमिन कर सकें। इसी तरह बैच कास्टिंग ये होती है जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन हो रही होती है डिफरेंट बैचेस के अंदर, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, तो वहाँ पे हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बैच कास्टिंग यूज़ होती है, शू फैक्ट्रीज में बैच कास्टिंग यूज़ होती है, जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स में मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर कोई आप कोई मेडिसिन उठाएं तो उसके ऊपर एक बैच नंबर लगा होता है। बैच नंबर मीन्स कि ये मेडिसिन उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, उस पर्टिकुलर फेज के अंदर वो मैन्युफैक्चर हुई हुई होती है और उसकी कास्ट उसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये तीन कंपोनेंट्स हैं जो अभी प्रीवियस स्लाइड में जो हमने बात की है कि जॉब कास्टिंग के अंदर हम हर जॉब की कास्ट को अलग से मेंशन करते हैं। उसकी रीजन ये है कि तीन कंपोनेंट है, मटेरियल, लेबर
और एक्सपेंसेस जहाँ पे लिखा हुआ है, या आप इसको ओवरहेड एक्सपेंसेस कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और मिक्स सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं सारे के सारे ये, जो कि आपके डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होते हैं। तो अब इन्होंने इसको एक्सपेंसेस यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी ट्रीट किया हुआ है। मेन जो हमारे कंपोनेंट है वो है मटेरियल और लेबर। मटेरियल के अंदर उन्होंने क्या है, डायरेक्ट मटेरियल भी है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी है। डायरेक्ट मटेरियल ये है कि जो आप एक सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट इनडायरेक्ट मटेरियल इज द वन जो कि इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, वो आपके एंटायर प्रोडक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। इसी तरह लेबर, डायरेक्ट लेबर जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर असेंबली लाइन के ऊपर डायरेक्टली फैक्ट्री में लाइन पोजीशन पे रहते हुए एक्टिवली काम करके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट बनते हैं, वो लोग उनको हम कहते हैं डायरेक्ट लेबर। बट सपोर्टिंग स्टाफ के लोग हैं, अकाउंट्स के लोग हैं, एचआर के लोग हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं होते, बट इनडायरेक्टली वो उसको वो आपकी हेल्प के लिए, जो डायरेक्टली असेंबली लाइन पे काम कर रहे हैं उसकी हेल्प के लिए, उसकी फैसिलिटेशन के लिए वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह की लेबर को हम कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट लेबर है। इसी तरह जो एक्सपेंसेस हैं, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे जो प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड होंगे, और कुछ एक्सपेंसेस होंगे जो प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड नहीं होंगे। अब वन बाई वन हम तीनों कंपोनेंट्स को देखते हैं कि मटेरियल क्या है, लेबर क्या है और बाकी एक्सपेंसेस क्या होंगे। मटेरियल के अंदर द सब्सटेंस फ्रॉम विच द फिनिश प्रोडक्ट इज मेड इज नोन एज द मटेरियल। देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है कि हम रॉ मटेरियल लेते हैं, उस पर सर्टन ऑपरेशंस परफॉर्म करती है हमारी लेबर, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी गेट सम फिनिश्ड गुड्स जिसमें वैल्यू एडिशन हुआ हुआ होता है मटेरियल के अंदर। डायरेक्ट मटेरियल ये है कि इज वन विच कैन बी डायरेक्टली आर इजीली आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट। टिम्बर इन द फर्नीचर, क्लॉथ इन द ड्रेस, एक चेयर बनी हुई है उसके अंदर इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है कितनी वुड रिक्वायर्ड है, कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है, कितनी कुशनिंग रिक्वायर्ड है, वो इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है। बट उसके ऊपर कितनी वार्निश लगी है, कितनी उसके ऊपर नेज लगी, कीलें कितनी लगी, वो चीजें इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो सकती हैं। तो वो सारी की सारी इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकते हैं। एक चेयर में 10 नेज लगी हो, एक में 20 लगानी पड़ जाए, एक में वार्निश थोड़ी कम लगी हो, एक में थोड़ी ज्यादा लगी हो, तो उसको टोटल को टोटल प्रोडक्शन के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फैक्ट्री लेवल पे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर की क्या है, लुब्रिकेंट्स, ऑयल्स, कंज्यूमेबल्स, ये इस तरह की चीजें हैं। जो ऑफिस लेवल पे क्या, प्रिंटिंग स्टेशनरी, फोटोकॉपी हो रही है, डस्टर आ रहे हैं, ब्रूम्स आ रहे हैं, ये वो सारी चीजें हैं कि जो आप एक सिंगल यूनिट के ऊपर इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे क्या, पैकिंग मटेरियल क्या आ रहा है वहाँ पे, प्रिंटिंग स्टेशनरी क्या हो रही है, ये वो कंपोनेंट है जो एक सिंगल यूनिट के ऊपर इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो सकते हैं, ये बल्क में होते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द डे अपनी एंटायर प्रोडक्शन के ऊपर आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। सिमिलरली लेबर के अंदर जो लोग डायरेक्टली फिनिश गुड्स बनाने में काम कर रहे हैं उनको तो हम कहते हैं कि वो लेबर है, डायरेक्ट लेबर है, जो कि सपोज एक कारपेंटर है जो बना रहा है, इसी तरह अगर आपने स्टिचिंग करवा रहे हैं तो एक टेलर है, सो ऑन सो। बट जो चीजें या जो लोग डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं होते हैं, रादर वो इनडायरेक्टली हैं, जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया, एचआर के लोग हैं, अकाउंट्स के लोग हैं, बाकी सपोर्टिंग स्टाफ जितना भी आपका, वो सारे के सारे डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं होते हैं, बट उनकी जितनी एक्टिविटी होती है, जो सर्विसेज होती हैं, वो इनडायरेक्ट लेबर में आ जाती है। अब इसकी एग्जाम्पल इनडायरेक्ट लेबर की, फोरमैन सैलरी, वर्कर्स, मैनेजर सैलरी, गेटकीपर सैलरी, सारी की सारी इनडायरेक्ट लेबर की एग्जाम्पल। फैक्ट्री लेवल पे, ऑफिस लेवल पे अकाउंटेंट है, जीएम है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे सेल मैन, हो सकती है आपकी उनकी सैलरी जो है, ये सारी की सारी बेसिकली आपकी उस प्रोडक्ट की कास्ट को इंक्रीज करते चले जा रही चीज, ये सारी उस प्रोडक्ट की कास्ट का पार्ट है। ये नहीं हो सकता कि आपकी हमने फैक्ट्री में एक चीज बनाई है और वो बस बन के खत्म होगी, नो। उसके सपोर्टिंग स्टाफ के जितने लोग हैं उनकी सैलरीज भी उस कास्ट, प्रोडक्ट की कास्ट के अंदर उसका एक ड्यू शेयर शामिल होगा। इसी तरह जो सेल्स फोर्स आपकी है उनकी जो सैलरीज दे रहे हैं, उनके एक्सपेंडिचर हैं, वो सारे के सारे भी, आपने बिल्डिंग, आपकी ऑफिस अगर रेंट पे, उसका रेंट जो है उसका भी एक सर्टेन पोर्शन उस प्रोडक्ट की कास्ट में ऐड होगा, क्योंकि बिजनेसमैन ने सारी चीज़ों को ओवरऑल काउंट फार करके और फिर देखना है कि टोटल कास्ट कितनी बनती है। अदर एक्सपेंसिस में हम ये देखते हैं कि वो एक्सपेंसिस मटीरियल लेबर के अलावा होते हैं और वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली चार्ज हो सकते हैं, किसी के ऊपर डायरेक्टली चार्ज
नहीं हो सकते हैं, तो उनको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के फॉर्मेट के मुताबिक हम वो करते हैं। फैक्ट्री लेवल पे क्या क्या होता है, रेंट, इंश्योरेंस, सो ऑन सो फॉर्थ, ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये एक बेसिक कॉस्ट शीट है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में वैसे देखेंगे भी कि ये कैसे बनती है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट है। बट देखिए, कॉस्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं, अभी दोबारा भी शायद रेपिटेशन में आएगा, कॉस्ट एक्युमुलेशन के अंदर भी हम देखेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इन दोनों को जब हम एग्रीगेट करते हैं इनका, तो इसको हम कहते हैं कि ये प्राइम कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के एग्रीगेट को हम कह रहे हैं कि ये प्राइम कॉस्ट है। और इसी तरह जब उसमें फैक्ट्री ओवरहेड भी ऐड हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बट जब हम डायरेक्ट लेबर और एफओएच को इकट्ठा करेंगे, जो कॉस्ट शीट के अंदर सेपरेट से नहीं दिया जाता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को टेक्निकली या जो कॉस्ट अकाउंटिंग में टर्म यूज होगी, उसको हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इंटू फिनिश गुड्स, डायरेक्ट लेबर और एफओएच के एग्रीगेट को उनको इकट्ठा करें तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। उसके बाद फिर उसमें बाकी आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपने, सॉरी, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वो डालेंगे, और फिर वो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिटरमिन हो जाएगी। अब इसी तरह कॉस्ट शीट के फर्दर एक्सटेंशन उन्होंने की है कि उसमें जब आपके पास इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज भी आ जाएंगी, लाजमी नहीं है जिन यूनिट्स पे आपने एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर काम शुरू किया वो 100% सारे कंप्लीट हो जाए। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिन पे 50-60% काम हुआ हो, कुछ 100% होंगे, कुछ 20%। तो जब इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज भी आ जाती हैं, तो वहां पे हमारे पास इन्वेंट्री का जो ब्रेकअप है या इन्वेंट्री की जो क्लासिफिकेशन है वो तीन तरह की हो जाती है। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को अलग से ट्रीट करते हैं, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री को अलग से ट्रीट करते हैं, और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को अलग से ट्रीट करते हैं। ये सारी चीजें उसके अंदर अकाउंट फॉर आती है। जस्ट ये आपको उसकी अपीयरेंस आपके साथ शेयर की है कि कास्ट शीट जब हम बनाते हैं तो कैसे बनती है। अब हम देखते हैं कि कास्ट की अगर हम क्लासिफिकेशन करें या टाइप्स करें, तो किन किन टाइप्स की कास्ट हमें नजर आ सकती है। अगर हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, तो हमारे पास ये तीन तरह की कास्ट आती है, मटेरियल, लेबर, और वो सारी चीजें मटेरियल लेबर के अंदर नहीं आएंगी, ऑब्वियसली वो सारी की सारी एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स के अंदर चली जाएंगी। अगर हम ये करें कि हम कास्ट की क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, फंक्शनल क्लासिफिकेशन अगर हम करें, तो एक होगी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, जिसमें मटेरियल, लेबर और इनडायरेक्ट फैक्ट्री के एक्सपेंसेस आएंगे। दूसरी होगी कमर्शियल कास्ट, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आएंगे। तो ये उसकी फंक्शनल डेफिनेशन क्लासिफिकेशन हो जाएगी कास्ट अकाउंटिंग। अगर हम कहें कि उसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से करें, तो फिर डायरेक्ट कास्ट हो जाती है और इनडायरेक्ट कास्ट। डायरेक्ट कास्ट ही कास्ट हैं जो डायरेक्ट मटेरियल हैं और डायरेक्ट लेबर हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कुछ है, और बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे कास्ट के वो कंपोनेंट जिनको हम डायरेक्टली किसी एक सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी वी कैन क्लासीफाई देम इन फिक्स कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट। वेन वी टॉक अबाउट फिक्स कास्ट वुड रिमेन अनचेंज इन द शॉर्ट रन। आपने जितनी भी फिक्स कास्ट है वो प्रोडक्शन वॉल्यूम के साथ लिंक नहीं होती। फिक्स कास्ट हैज नथिंग टू डू विद द प्रोडक्शन वॉल्यूम, इट रिमेन्स फिक्स्ड एंड अनचेंज इन द शॉर्ट रन इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्टिविटी। Whether we are producing one unit, but whether we are producing 100 units, the fixed cost will remain unchanged. On the other hand, variable cost is directly linked with the production. जैसे जैसे हम यूनिट्स बनाते जाएंगे, वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट, एक टेबल बनाया तो एक टेबल के लिए रोड जितनी रिक्वायर्ड है वो चाहिए, 10 टेबल बनाएंगे तो 10 के लिए चाहिए। बट फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री का रेंट है, फिक्स कॉस्ट है। आप 1 यूनिट बना रहे हैं तब भी उतना ही रेंट देना है, 50 यूनिट बना रहे हैं तब भी उतना ही देना है, 100 यूनिट बना रहे हैं तब भी उतना देना है। बट जो पर यूनिट फिक्स कास्ट है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्शन। जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपके ज्यादा प्रोड्यूस होते चले जाएंगे, उतनी ही पर यूनिट कास्ट आपकी कम होती चली जाएगी।
क्योंकि अगर 100 रुपीज फिक्स कास्ट है सपोज एंड यू आर प्रोड्यूसिंग ऑनली 10 यूनिट्स देन पर यूनिट फिक्स कास्ट वुड बी रुपीज 10 100 डिवाइडेड बाय 10 वुड बी 10 बट इफ यू आर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स एंड योर फिक्स कास्ट एज वी सेड अर्लियर दैट इट वुड रिमेन अनचेंज्ड 100 रुपीज देन योर पर यूनिट फिक्स कास्ट वुड बी 1 रुपीज means fixed cost total will remain unchanged but per unit fixed cost has inverse relationship in the productivity. Variable costs जितने भी हैं ये आपकी costs जो हैं ये directly linked हैं आपकी production volume के साथ. Per unit cost, variable cost जो है वो constant रहती है. एक यूनिट बनाना है तो उसकी कास्ट आएगी, दो यूनिट बनाएगी उसकी, पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी बट टोटल फिक्स कास्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्टिविटी. जितने जितने प्रोडक्शन के यूनिट आपके ज़्यादा होते जाते हैं उतनी उतनी आपकी कास्ट जो है ये ज़्यादा होती चली जाएगी. मीन्स आपके साथ जितने पर